यो सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, जो आज का वीडियो ना, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी न्यू बिगनर प्लेयर्स हैं। एंड यू नो BGMI रिलीज हो गया है, एंड ये वीडियो मैंने तभी रिलीज करना था, मेरा ऑलरेडी प्लान था। सो यार, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ यू कैन ग्रो एज अ प्लेयर इन ई स्पोर्ट्स या फिर एज अ टीम। ये वीडियो में आपको बहुत सी इन्फो मिलने वाली है, बहुत सी टिप्स मिलने वाली है, रोटेशन एंड ऑल, किल्स कैसे लेने हैं, फाइट्स कैसे लेनी है, यार बहुत सी चीज़ें होंगी। एक कंबाइंड वीडियो होने वाला है इन्फो एंड टिप्स का, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट्स टॉक अबाउट अवर स्पॉन्सर्स फॉर दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विंजो। यहाँ पे आप 70 प्लस गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हैं। एंड यहाँ पे इधर ई स्पोर्ट्स की गेम्स लाइक फ्री फायर, COD ऐसे टूर्नामेंट्स भी आते जाते रहते हैं। एंड यहाँ पे यार 70 प्लस गेम्स आप जब खेलोगे ना, उसके जब टूर्नामेंट्स खेलोगे, उसमें आप जीतो या हारो उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार पहले दो गेम्स बिल्कुल फ्री हैं। सो एक्सपीरियंस ले सकते हो जाके विंजो स्टोर पे, आपको फ्री फायर के डायमंड्स, वाउचर एंड सब्सक्रिप्शन भी ईजिली मिल सकता है। एंड जो भी प्राइज आप जीतोगे, आप उसको ईजिली अपने बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हो, और अगर चाहो UPI या PayTM में भी यहाँ पे ट्रांसफर करना अवेलेबल है। सो यार इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने लिंक, जाके डाउनलोड करो एंड 50 rupees का बोनस भी पाओ। Now let's move on to our video. यो सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पहले तो मेरा जो बैकग्राउंड में गेम प्ले है उसको इग्नोर करना, मैंने जस्ट ऐसे ही गेम प्ले पढ़ा था उसको डाल दिया है। जस्ट ये वीडियो बेस रहेगी मेरे वॉइस पे, मैं वॉइस ओवर दूंगा आपको, टिप्स दूंगा, जो भी इन्फो देने वाला हूँ अभी उस पर बेस रहेगी। सो डोंट फोकस दैट मच ऑन द गेम प्ले, मैंने कोई भी उठा के डाल दिया, मेरे को पता भी नहीं कौन सा मैच का गेम प्ले है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज देखो, एज अ प्लेयर इन ई स्पोर्ट्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ T3 कस्टम। ओके, सो यार जो T3 कस्टम्स का सीन रहता है ना, अभी आज के टाइम में तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था T3 में इतना अच्छा कॉम्पिटिशन नहीं मिलता था। आज के टाइम में प्लेयर्स थोड़ा सीरियस खेलने लग गए हैं एंड कॉम्पिटिशन मिलना स्टार्ट हो गया। बट जब आप कोई बड़े लेवल के टूर्नामेंट पर जाते हो ना, वो वाला कॉम्पिटिशन आपको T3 या T2 में नहीं मिलेगा, बिकॉज टीम्स इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टिप यही रहेगी, एज अ प्लेयर और एज अ टीम, आप पेड स्क्रिम्स ट्राई करिए। पेड स्क्रिम्स में यार बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होता है, आई नो थोड़े पैसे लगते हैं, बट जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना वहाँ से, वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा। सो ये तो रह गई एक सिंपल सी टिप, ऑब्वियसली बहुत से प्लेयर्स को पता होगी नीचे जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं। नाउ आते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों पे। सो यार बहुत से प्लेयर्स हैं ऐसे हमारी कम्युनिटी में जो कि बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, बहुत अच्छा गन स्किल रखते हैं, लेकिन स्टिल कुछ कर नहीं पाते। नाउ व्हाट्स द मेन रीज़न बिहाइंड दैट। अभी आपको पता है BGMI रिलीज़ होने वाला है, ठीक है, अभी BGMI रिलीज़ हो ही गया, सॉरी अभी प्री रजिस्ट अर्ली एक्सेस आ गया सब पे। सो जब प्रॉपरली रिलीज़ हो जाएगा, इस पर बहुत सारा कॉन्टेंट रिलीज़ होगा, है ना, काफ़ी कॉन्टेंट आएगा एंड काफ़ी टूर्नामेंट्स होंगे। सो भाई उस टाइम पर ना, उस टूर्नामेंट को अगर आप खेलते हो, आपकी टीम परफॉर्म करती है, ठीक है, आपको सिर्फ जानेंगे वो टूर्नामेंट में जो टीम खेली थी वो, एंड जितना वो लोग शेयर करेंगे उस टूर्नामेंट को, ठीक है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको कभी एक्सपोजर नहीं मिलेगा। एंड इफ़ यू डोंट गेट दैट एक्सपोजर, देन कम्युनिटी में ऊपर मूव ऑन करना, लाइक अच्छी टीम्स के ऑफर एंड ऑल या फिर स्पॉन्सरशिप्स, ये नहीं आते हैं। सो आज के टाइम में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इफ़ यू वॉन्ट हैव दैट, आपको कॉन्टेंट क्रिएट करना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बिगिनर प्लेयर के लिए, क्योंकि आपके कॉन्टेंट से लोगों को पता लगेगा कि हाउ यू प्ले, क्या आपकी स्पेशलिटीज़ हैं। उसके बाद जब आपको एक्सपोजर मिलेगा, तभी जाके आपको आगे अच्छी जगह चांसेस मिलेंगे, अच्छी टीम्स में चांसेस मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर आप एज अ टीम रहना चाहते हो, देन आपको वैसे भी दूसरे टूर्नामेंट से इन्वाइट्स आ सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि पता होगा ना सबको कि हाँ ये एक टीम है। सो एक्सपोजर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो अगर आप कॉम्पिटिटिव में आने वाले हो, क्योंकि अगर एक्सपोजर नहीं, आपको कोई जानेगा नहीं, तो आप पे जितना भी गन सेट है, कितना भी गन स्किल है, उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर दैट जब आप कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में, आपने देखा होगा बहुत से प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, बहुत से प्लेयर्स टॉप फ्रैगर्स भी बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम को रिमेंबर नहीं किया जाता, ठीक है, बस कुछ स्टार्स शाइन होते हैं, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, एक्सपोजर मिलना। सो एक्सपोजर जो है कईयों को बहुत जल्दी मिल जाता है, कईयों को बहुत लेट मिलता है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज बहुत फेमस हो रहे हैं, लाइक आदित्य, लेकिन वो इनिशिएटिव ई-स्पोर्ट्स के टाइम पे बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन तब एक्सपोजर नहीं था, अब सबको पता आदित्य कौन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं यार कम्युनिटी में। सो एक्सपोजर गेन करने पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, अपने गेम के साथ साथ गेम पे फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंडली एक्सपोजर गेन करने का ट्राई करिए। वो आप कंटेंट क्रिएट करके गेन कर सकते हैं, या फिर अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करके गेन कर सकते हैं, वो आप पर रहेगा। नाउ आफ्टर ऑल दैट,
मेरे से बहुत लोग पूछते कि भाई रोटेशन पे वीडियो बनाओ, फाइट्स कैसे ले उस पे वीडियोस बनाओ, मतलब बहुत सी वीडियोस हैं जो इन रिक्वेस्ट हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू डोंट नो कि ये सब पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। रोटेशन में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, असॉल्टिंग पे वीडियोस बनाई हुई, मैंने बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में 20 21 21 किल के गेम प्लेज अपलोड करके डाले हुए हैं यूट्यूब पे। वो सब के लिंक ना आज मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा आई गेस 4 से 5 वीडियोस रहेंगी, एंड अगर आप एक बिगिनर टीम हो आपको बहुत हेल्प होने वाली है वो सब वीडियो से। सो अपनी पूरी स्क्वाड को शेयर करना, एंड आई कैन गारंटी यार उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस में बहुत हाइट आएगी, बहुत लेवल इंक्रीज होगा, एंड आपको लगेगा कि यस यू कैन डू समथिंग नाउ। सो आज का वीडियो सिर्फ इस पे था, ओनली इन्फॉर्मेशन पे। सो आई डोंट नो कि ये बनाना अप्रोप्रिएट था या नहीं, बट मेरे को लगा कि शायद सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई सी ऑल लेटर। बाय बाय गाइज़।